एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारे लेह लद्दाख का शॉपिंग हॉल, जो हमने सिर्फ लद्दाख से नहीं बल्कि मनाली, दिल्ली और बहुत सारी जगहों से शॉपिंग की थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक कंबाइंड वीडियो बना के आपको दिखाएं, ताकि अगर आप भी लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप डाउट में है कि आपको वहां से क्या लेना चाहिए, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी हेल्पफुल। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो हमने लद्दाख से ली थी, ये लेह मार्केट के मेन मार्केट में है, ये है टी शर्ट। और ये कोई ऑर्डिनरी टी शर्ट नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमने अपने चैनल का लगाया है लोगो। शॉप का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप ले जा रहे हैं स्पेशली ले के मार्केट में, तो आप ये वाले शॉप में ज़रूर जाइएगा गाइस। यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, बहुत वैरायटीज़ है, एंड द बेस्ट पार्ट, आप इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से टी शर्ट्स लिए हैं। ये तो हो गया सबसे पहला, ये है नेक्स्ट, ये मैंने अपने भैया के लिए लिया है। आप भी ऐसे बहुत सारे टी शर्ट ले सकते हैं गिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट मैंने ये लिया है जूले मेरे लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे साइज भी मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। ये लिया है मेरे हस्बैंड ने, ये काफी ब्राइट कलर है, मॉनसून में ये बहुत अच्छा लगता है। एक और टी शर्ट है गाइस, अगर आप लद्दाख जा रहे हैं और आपको डाउट है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में क्या गिफ्ट करना चाहते हो, तो ये टी शर्ट बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इस तरीके के टी शर्ट ले सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे थीम्स और बहुत कुछ लिखा हुआ था। जो शॉप वाले भैया है, इन्होंने हमारी काफी हेल्प की थी। हमारे पास बहुत सारा लगेज हो गया था, तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें कोरियर कर दिया सारा सामान आउट ऑफ द वे जाके। और ये सब टी शर्ट की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, कितनी प्राइस है वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि भैया ने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है। और अगर आप जा रहे हैं तो आपको भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। मैंने एक और चीज़ वहाँ से ली थी, ये बहुत ही ट्रेंडिंग था वहाँ पे लद्दाख में, मुझे नहीं मालूम इसको क्या बोलते हैं, पैंट है, ट्राउज़र है, कार्गो है, पोंचो है, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसके ऊपर एक सेट भी आता है जिसमें ऐसे पैचेस लगे रहते हैं, ये नीचे भी यहाँ पे पैचेस लगे हुए हैं। जो मटेरियल है ना, ये खादी वाला मटेरियल होता है ना, वैसा है, तो गर्मी नहीं लगेगी आपको। वो भैया के पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। फ्रेंड्स, हमारे लिए इतना सारा लगेज बाइक में लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने तो कोरियर करवा लिया था। बट अगर आप भी फ्लाइट से जा रहे हो और आपको वेट इश्यू है, तो आप वहां से कोरियर करवा सकते हो। आप इस शॉप में तो जरूर जाना। चलिए, तो मैं आपको उनके शॉप की एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा यस बैंक का एटीएम, और ठीक उसी के नीचे यहाँ सामने मिलेगा आपको ये वाला शॉप। तो यहाँ पे अभी उन्होंने दूसरा कलेक्शन लगा दिया गाइस, ये दूसरी बार हम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी भाई ने पूरा कलेक्शन निकाल के रखा है। यहाँ पे बहुत सारे पैंट्स हैं, शॉल्स हैं, और बच्चों के लिए भी जो ड्रेसेस होती हैं वो भी हैं, प्लस कैप्स वगैरह हैं, और टी शर्ट्स तो खैर कहने की बात ही नहीं। पिछली बारी मैंने आपको दिखाया था, अच्छी खासी यहाँ पे कलेक्शन हैं। भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। नेक्स्ट हमने जो लिया है वो ये है, बंडाना टाइप है, या स्काफ भी बोल सकते हैं, ये सर पे बांधते हैं, बहुत ही प्यारा है। एक मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। वहाँ पे जगह जगह जो लेडीज होती है ना, वो ये बना रही होती है, ये ऐसा कुछ है। इसे क्या होता है, आपका कान सेफ रहता है। अगर आपको पूरा कैप नहीं पहनना है और स्टाइलिश भी लगना है, तो आप ऐसा पहन सकते हो। ये मात्र 100 रुपये में है, वो आपके सामने बनाते हैं। आपको चाहिए तो आपके कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको पसंद है वो बना देंगे। बहुत ही क्यूट लगा मुझे ये गिफ्टिंग पर्पज़ भी बहुत अच्छा है, और मैंने कुछ थोड़े से अपने लिए भी लिए हैं। इसमें मल्टी कलर्स हैं। फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल है ना, ऊन का है, पर ऊन में भी ना बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। इतना सॉफ्ट है ये, इतना कोजी है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल भी गड़ता नहीं है आपके सर पे। ये भी आप ले सकते हो अपने ड्रेस के साथ, आउटफिट के साथ मैच करते हुए, काफी ट्रेंडिंग और स्टाइलिश लगेगा। एंड स्पेशली वोकल फॉर लोकल, क्योंकि वहाँ की लोकल औरतें ये सब बनाती हैं, तो आप उनकी कलाओं को जरूर सपोर्ट करें, उनको फाइनेंशियली हेल्प करें, कोई बार्गेन ना करें, क्योंकि हार्डली 100 रुपीज का है, तो आई थिंक ये वर्थ है। टेक 5। नेक्स्ट हमने लिया है चॉकलेट्स, ये वहाँ का लोकल चॉकलेट है, THC के नाम से है, और ये मात्र 99 रुपीज का है। इसमें ये 5 फ्लेवर आते हैं, हमने इसको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, ये बहुत ही यम्मी है। तो अगर आप जा रहे हो चॉकलेट के शौकीन हो, तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। ये आपको वहाँ के लोकल जो किराना शॉप है वहाँ भी मिल जाएगा, और इनफैक्ट ये मनाली में भी हमें दिखा, तो आप वहाँ भी ले सकते हो। नेक्स्ट है ये परफ्यूम, ये वहाँ का लोकल परफ्यूम है, ये भी मैंने लेके मेन मार्केट से लिया था। प्राइस तो मुझे याद नहीं है, आई थिंक 399 या 499 में था। फ्रेग्रेंस रखे हुए हैं सैम्पल, वो आप स्मेल करके ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया था ये अरोमा ऑयल, ये मस्क फ्रेग्रेंस में है, ये आप किसी भी डिफ्यूजर में डाल सकते हैं, पानी में, ये ऑयल फॉर्म में है। नेक्स्ट मैंने लिया ये चॉकलेट्स, ये काफ़ी क्यूट लगे मुझे पैकिंग, आई होप अंदर भी चॉकलेट्स अच्छे ही होंगे। सबके जो फ्लेवर है वो तो सेम है,
बट गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमने लिया था ये एप्रिकोट जैम। एप्रिकोट वहां का लोकल फ्रूट है तो आपको जरूर लेना चाहिए ये। इसमें सिर्फ एप्रिकोट और शुगर है, ये ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया है। बस एक ही ड्रॉबैक है, ये कांच की बॉटल में है, अदरवाइज टेस्ट एंड ऑल अमेजिंग है। तो यहाँ पे आपको इसके सीड्स भी दिखेंगे और ये एडिबल है, हमने ये ऑलरेडी ट्राई किया है। जो सीड्स है ना वो आलमंड की तरह लगते हैं, काफी क्रंची लगते हैं। साथ ही हमने लिया था एप्पल जैम। गाइस अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ एप्पल जैम नहीं, एप्पल जूस भी पीजिएगा। अगर मैं आप जाएंगे या किराने के शॉप में जाएंगे तो आप एप्पल का जूस वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। वो तो हम ला नहीं सके क्योंकि वो कांच की बॉटल में था, बट हमने पिया था, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। जहां से मैंने एप्रिकोट का जैम लिया था वहीं से मैंने ये एप्रिकोट का बाम भी लिया था। मैंने वहां पे सैंपल ट्राई किया था, इसकी खुशबू तो उतनी खास नहीं है, बट जब मैंने इसको अप्लाई किया था इससे जो मेरे लिप्स थे वो काफी मॉइस्चराइज थे, तो ये मुझे एक अच्छा लगा। वहां पे और भी बहुत कुछ एप्रिकोट के थे, स्क्रब वगैरह भी थे, क्रीम वगैरह भी थे, बट वो हमने लिया नहीं क्योंकि हम बाइक में थे तो हम इतना सामान ले नहीं सकते हैं। और उसी शॉप से हमने ये प्रोटीन बार भी लिया था, तो ये काफी अच्छा स्नैक्स है गाइस। आप जब जा रहे हो ना तो ऐसे प्रोटीन बार तो आप जरूर रखना, क्योंकि जब कुछ मिलता नहीं है तो यही आपका एक सहारा होता है, इससे पेट भी भर जाता है और ये काफी एक हेल्दी ऑप्शंस भी है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है लद्दाखन शॉल। ये भी मैंने लेके मार्केट से लिया है, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है। आप भी अगर आपके घर पे कोई बड़े बुजुर्ग है तो उसके लिए ले सकते हैं। इसमें काफी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, सिंपल है लेकिन ये काफी गर्माहट देता है, तो ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है क्योंकि जमशेदपुर में पड़ती है बहुत ठंड, तो ये उनको आएगा काम। और एज अ सुवेनियर भी अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये पोचो, जो जगह जगह लेके हर शोरूम में हर शॉप में हैंग किया हुआ था, मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा तो मैंने भी ले लिया। इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे। जो ये लद्दाख का शॉल था ये कुछ 800,000 के ऊपर से स्टार्ट होता है, और ये जो पोचो है ये भी वहाँ पे 1300-1400 से स्टार्ट होते हैं। जितना हैवी आप लेंगे उतना कॉस्टली होता है, ये तो सस्ता वाला है क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना ये काफी पतला है, बट ये काफी शाइनिंग था और ब्लैक में था, तो मैंने सोचा बहुत सारे आउटफिट के साथ ये चल जाएगा और ये बहुत गर्माहट नहीं देता है, तो आप ये ऑल सीजन पहन सकते हैं, एज अ स्टाइल जीन्स वगैरह के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये कुर्ती, ये है कॉटन की कुर्ती। ये सारा सामान मैंने एक ही शॉप से लिया है, शॉप का नाम और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफी बड़ा शॉप था, बाहर से तो दिख नहीं रहा था लेकिन अंदर जब हम गए तो इतने अच्छे कलेक्शन थे। जो शॉप वाले भैया थे वो कश्मीरी थे, आपको वहां पे ओरिजिनल पश्मीना भी मिल जाएगा और इस तरीके के कश्मीरी यू नो जो हैंडमेड डिजाइन होते हैं ऐसी कुर्ती मिल जाएगी। ये कॉटन में है इसलिए मैंने ये लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्यूटिफुल सा पर्स, ये मैंने गिफ्ट के लिए लिया है। इसमें आप देख रहे हो कितने अच्छे से डिजाइन बनाया हुआ है, हैंडमेड है, और इसमें कम से कम 1 2 3 हाँ इसमें कम से कम 5 चेन्स हैं, पीछे भी हैं और सामने भी है। और इन सब का प्राइस मुझे याद नहीं है गाइस क्योंकि ये सारा जो है ना ये मैंने एक ही शॉप से लिया था, तो भैया ने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था क्योंकि हमने इतने सारे सामान लिए थे। तो अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो ये जरूर आप लेना क्योंकि वहां पे लद्दाख में आपको कश्मीरी आइटम्स भी बहुत सारे मिलेंगे। जहां से हमने लिया था एप्रिकोट का जैम वहीं से हमने लिया था ये सी बकथॉर्न हर्बल टी। ये एंटीऑक्सीडेंट हर्बल हेल्दी टी है, ये लद्दाख का है। ये काइंड ऑफ लीफ है जो सुखाते हैं वो लोग और इसे एज अ ग्रीन टी की तरह पीते हैं, और इसकी प्राइस है 180 रुपीज, और जिस शॉप से हमने लिया था उन्होंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो अगर आपको हर्बल प्रोडक्ट्स पसंद है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्टोल जो काफी हल्का है, और सी बहुत ही हल्का है ये स्टोल। ये आपको जगह जगह लेह लद्दाख में मनाली में मिल जाएगा, आपको काफी अच्छा लगता है ये कुर्ती वगैरह के साथ लेने के लिए। इसमें मल्टी कलर्स भी मिलते हैं, मुझे ये प्रिंट बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने लिया। नॉर्मल सा मटेरियल है, आपको हाथ से धोना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। ये मुझे पड़ा था 200 या 250 रुपीज में। अगर आप जा रहे हो और स्टोल के शौकीन हो तो आप इस तरीके से कुछ चीजें खरीद सकते हो अपने लिए। नेक्स्ट हमने लिया था ये बुटक वाला सॉस। इसकी मैगी तो आपने खाई होगी, 3x 4x आती है, बहुत ही स्पाइसी होती है। मेरे हस्बैंड को ये किराने के शॉप में दिखी तो उन्होंने कहा ये तो मुझे लेना है। ये 450 रुपीज का है, प्लास्टिक की बॉटल है, तो ये अभी अब तक हमने ट्राई नहीं किया है। अगर आप कोरियन और स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है फ्रिज मैग्नेट, ये तो मस्ट वाला सुवेनियर है जो आपको लेना चाहिए, और हमने कोई एक या दो नहीं लिया है, हमने लिया है इतने सारे क्योंकि ये सब हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए। तो ये सारा कलेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जो सारा चॉइस है ये मेरे हस्बैंड का है। मोस्टली हमने लेह से लिया था और कुछ हमने मनाली से लिया था।
फ्रेंड्स इसकी प्राइस 80-90 रुपीज है और पीछे इसका मैग्नेट ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये हेयर पिन, ये मैंने टिबेटन मार्केट से लिया था, काफी यूनिक लगा। वहां पे टिबेटन मार्केट में एक से बढ़कर एक चीज मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टिबेटन मार्केट में आइटम्स जितने भी थे वो काफी कॉस्टली थे और जल्दी वो लोग बार्गेन करते नहीं है, तो बट क्योंकि कुछ चाहिए था सुवीनियर तो मैंने ये ले लिया। साथ ही मैंने लिया है ये ब्रेसलेट, एक खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरीके का ब्रेसलेट है ये, 100 रुपीज़ का था। आई नो कॉस्टली है बट इसलिए मैंने कहा टिबेटन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कॉस्टली लगी मुझे, इसमें बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी, तो ये भी एक गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा आइटम है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्यूट सा की चेन, बहुत अच्छा आवाज़ इसमें आ रहा है, घंटी बजी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे हमने लिए हैं गाइस, सी इतने सारे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन है ना गिफ्ट करने के लिए, बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। वो लोग वहाँ पे 100 रुपीस कोट करते हैं बट आप उस पर बार्गेन कर सकते हो और 80-90 रुपीस में मिल जाता है अगर आप बल्क में थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो तो। नेक्स्ट हमने लिया था चाउमीन, जिसके अभी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं क्योंकि हम बाइक में आए थे ना, जब हमने वहाँ पे चाउमीन खाया था। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो मोमो और चाउमीन तो जरूर खाना, तो उनके जो चाउमीन थे ना बहुत ही टेस्टी थे, लंबे लंबे से ड्राई और बहुत ही सॉफ्ट थे खाने में, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। ये सिर्फ 50 रुपीज में था, ये हमने किराना शॉप से लिया था लेके मार्केट से। अगर आप भी नूडल्स के शौकीन है तो आप भी ये खरीद सकते हैं। नेक्स्ट कुछ हमने इस तरीके के नेस्कैफे के सैशे लिए थे, कॉफी सैशे है और भी थे जो हमने वहीं पे ट्राई कर लिया, कुछ हमने घर आके ट्राई किया, ये काफी टेस्टी है। एंड गाइस ये यहाँ नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ जो पीछे लिखा हुआ है ना ये दूसरे किसी भाषा में लिखा हुआ है, आई थिंक ये इंडिया का तो मेड नहीं है, तो ये भी कुछ समथिंग डिफरेंट लगा हमें, तो ये भी हमने ट्राई किया। तो अगर आप कॉफी लवर हैं तो आपको इस तरीके की बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं मनाली में, मनाली के मॉल रोड से हमने शॉपिंग की है। सबसे पहली शॉपिंग जो हमने की थी वो है ये टी शर्ट। इस टी शर्ट की खासियत ये है कि ये मात्र 200 रुपीस की है और आप इसमें मनचाहा प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे हमने अपने हाईएस्ट पास का करवाया उमलिंगला, तो आप इसको जैसा चाहे कस्टमाइज करवा सकते हो। बस टी शर्ट में आपको व्हाइट कलर ही मिलेगा और ये 200 रुपीस की है और हम उसकी क्लिप लगा देंगे ये शॉप की, जो इसका कोई नाम तो नहीं था, एक शॉप के बाहर ये भैया बैठते हैं और हमने एक नहीं चार करवाए हैं। सी अभी मैं सब खोल नहीं रही हूँ नहीं तो लाडो के बाल लग जाएंगे, और ये सिर्फ 5 मिनट में बन जाते हैं गाइज, सबसे अच्छी बात है। हाँ आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो कहीं भी बन जाता है, लेकिन एज अ सुवीनियर एज अ कुछ मेमोरीज अगर आपको वहाँ से लाना है तो आई थिंक एक बेस्ट ऑप्शन है। और वो भैया बहुत फेमस है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में उनके वीडियोस देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करें एंड आई थिंक मुझे वर्थ लगा 200 रुपीज़ में ये करवाना। एंड फ्रेंड्स टी शर्ट वाले भैया जब प्रिंट करते हैं तो इस तरीके के प्रिंटर पे ऐसे A4 साइज में प्रिंट करते हैं और ये प्रिंट भी वो हमें दे देते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा फेड लग रहा होगा क्योंकि इसी से उन्होंने प्रिंट किया था टी शर्ट पे, तो जो ये शॉप है उसका एक फुटेज मैं लगा दूंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ है। तो गाइस जैसे आप यहाँ से चल के आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्लिम हॉग होटल और ठीक इसके नीचे यहाँ पर होती है टी शर्ट पे ऐसा प्रिंट। नेक्स्ट मैंने मनाली से लिया है ये बैग, ये जूट की तरह दिखता है लेकिन ये हेम्प से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हेम्प यानी कि वीड, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये वीड से बना है या 100% हेम्प से बना है, क्योंकि ये हार्डली आपको 350 या 400 में मिलता है और आई डोंट थिंक कि हेम्प इतना ईजिली अवेलेबल है कि आप यू नो से बैग्स बना सकें। जी नहीं, एनीवे लुक वाइज काफ़ी अच्छा और ट्रेंडी लग रहा था, इसमें बहुत सारे मल्टी कलर्स आपको मिल जाएंगे। वो कोट तो आपको 400-500 करते हैं, मुझे ये 350 में मिला। आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये है तो आप इसको वेस्ट में भी पहन सकते हो और चाहो तो आप ऐसे साइड में भी लगा सकते हो, और ये तो ऐसा क्रिस क्रॉस करके भी पहन सकते हो ऐसे, या फिर आप साइड में पहन सकते हो जैसा आपकी इच्छा हो, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। नेक्स्ट मैंने मनाली के मार्केट से लिया है ये बहुत ही मऊ मऊ सॉफ्ट सॉफ्ट कॉजी जैसा स्टोल बोलो या फिर शॉल बोलो, पता नहीं क्या है बट बहुत ही सॉफ्ट है। एंड गाइस ये मात्र आई थिंक 200 रुपीस में था, इसमें बहुत सारे कलर्स थे। आई नो व्हाइट है गंदा हो जाएगा लेकिन व्हाइट ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी रॉयल लग रहा था तो मैंने ये लिया है। और उसके बॉर्डर्स में ये इतना अच्छा प्यारा सा पॉम्पम लगा हुआ है इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और इसका जो लेंथ है ये भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो यू नो छोटी मोटी ठंड लोनावला खंडाला जाते वक्त अगर आपको लगे तो आप ऐसा ले सकते हो। और ये मुझे मात्र 200 रुपए में पड़ा इसलिए मैंने कोई बार्गेन नहीं किया। नेक्स्ट मैंने ली है ये हिमाचल वाली टोपी मनाली से,
कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना हिमाचल वाली। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रेस भी मिलते हैं, तो मैंने सोचा ड्रेस लेना तो मुमकिन नहीं है, हम लेंगे तो मुंबई में कहाँ पहनेंगे, बट मैंने सोचा एज अ सुवीनियर मैं ये टोपी ले लूँ। इसमें बहुत सारे कलर और पैटर्न्स आते हैं और ये यूनिसेक्स है, मेल फीमेल कोई भी पहन सकते हैं, मात्र 100 रुपीज में है, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा परचेज है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वुलन का सॉक्स। एक आंटी थी जो ये ऊन से बुन रही थी, काफ़ी क्यूट है, और ये बड़ों के लिए है, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पैर में तो बहुत आराम से आ जाता है, छोटे बच्चों को भी मिलते हैं ऐसे। इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लगी मुझे, ये 100 रुपीज़ का है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये शॉर्ट कुर्ती। ये वहाँ के लोकल लोग कह रहे थे कि ये वहाँ का मनाली का ट्रेडिशनल ड्रेस या मनाली कुर्ती कहते हैं इसे, शॉर्ट ड्रेस है। ये लॉन्ग में भी मिल रहा था, इसमें बहुत सारा कलर है और जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी पतला है, मोटा नहीं है। तो मैंने ये सोच के लिया कि मुंबई में तो हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ते जो ऑल सीजन हो, तो ये आप जीन्स वगैरह के साथ पहन सकते हो, शॉर्ट कुर्ती है, काफ़ी स्मार्ट लगेगा। शायद ये 550 या 600 में मैंने लिया है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन ये मैंने वहीं से लिया है जहाँ से हमने जो टी शर्ट कस्टमाइज करवाई थी ना, तो ठीक इसके पीछे ये शॉप है। इसका भी नाम और एड्रेस अगर हमें मिलेगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से लिए, उनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज थी, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट हमने लिया है ये पर्स, जो आपको अभी बॉक्स जैसा दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ये पर्स है। इसके बहुत सारे कलर्स वैरायटीज हमें मिल रहे थे, ये देखिए, ये इसका साइड में लगाने के लिए है, और आप चाहें तो इसको ऐसे हाथ में भी लगा के हैंग कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने हमें कोट किया 300, बट दिल्ली में हमने देखा तो ये 200-250 में भी मिल जाता है, तो आप इसे एज अ पर्स भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जैसे मेरे हस्बैंड ट्राई करने वाले हैं इसको एज अ हार्ड केस, SSD और हार्ड डिस्क रखने के लिए। नेक्स्ट जो आइटम है वो मेरे हस्बैंड ने लिया है, ड्रैगन बॉल जी एंड ब्रूट। ये तो हर एक को पसंद है, ये आप कार वगैरह में लगा सकते हैं, ये आप आपके डेस्कटॉप वगैरह में या फिर शो पीस में लगा सकते हैं। इसका एक छोटा वर्जन भी आता है, क्यूट सा। ये काफ़ी कॉस्टली है गाइस, ये अनब्रेकेबल है और ये इसके जो सारे पार्ट्स हैं ना ये खुल जाते हैं, तो अगर आपको इस तरीके से कलेक्शन करने का शौक है तो आप ले सकते हो, वहाँ पे बहुत इसकी वैरायटीज़ है। बट हाँ, बहुत कॉस्टली है यार, जल्दी वो लोग बार्गेन भी नहीं करते हैं, बट ये समथिंग डिफरेंट है जो हर जगह नहीं मिलती है। ये जो बड़ा वाला है ये 1000 रुपीज़ का पड़ता है आपको, इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो स्टार्ट होती है 200 से 400 से, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी, एंड जो प्राइस है वो डिपेंड करता है जो आपके टॉय के साइज़ पे। नेक्स्ट हमने मनाली के मॉल रोड से लिया है ये ब्यूटीफुल सा वॉल पेंटिंग, जो आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, नेम प्लेट है बेसिकली ये। वहाँ पे जगह जगह आप देखोगे जो जो स्ट्रीट आर्टिस्ट है ना वो पेंट करते हैं, और जो भी आप नाम लिखवाना चाहे लिखवा सकते हैं। हमने यहाँ पे हमारे पास्टर जी का जो सरनेम है वो लिखवाया है। इससे बड़े साइज भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास एज यूजुअल बाइक में जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने एक छोटा सा क्यूट सा बनवा लिया। ये आपके सामने वो लोग बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है, साथ ही साथ ही अपने लिए भी आप बनवा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे, हमने ये हाउस के शेप में लिया है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज के आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 500 से 1000-1500, टोटली डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द फ्रेम आप कैसा ले रहे हैं। फिर हम पहुंचे दिल्ली, दिल्ली के गफ्फा मार्केट, करोल बाग, बाइक मार्केट, और सबसे पहले वहां जाते मेरे हस्बैंड ने किए शॉपिंग अपने बाइक के लिए। ये है बाग बस्टर का कॉपी, ये है हैंड गार्ड है बाइक का, मुझे उतना नहीं समझता है, कॉपी है क्योंकि ओरिजिनल तो 13,000 का आता है ऐसा मेरे हस्बैंड बोलते हैं, ये हमें 800 रुपये में आ गया। तो अगर आपको भी सेकेंड हैंड बाइक या बाइक के एसेसरीज खरीदनी हो तो आप करोल बाग ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, तो आप भी इस तरीके से खरीद सकते हैं। साथ ही ये मेरे हस्बैंड ने बाइक का कुछ ग्रिप का लिया है, तो इसलिए मैंने कहा बहुत सारी एसेसरीज वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है जो डुप्लीकेट्स होती हैं, बट ठीक है, काम चलाओ तो है। नेक्स्ट हमने दिल्ली के गफार मार्केट से हमने लिया ये स्विस नाइफ, जो सिर्फ 100 रुपीज में है, तो मेरे हस्बैंड ने एक बाइक, एक कार और एक गिफ्ट पर्पज के लिए लिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो काफी रिजनेबल प्राइस में वहाँ मिल जाती है। और गफार मार्केट से ही मैंने लिया है ये सैंडल, ये बारिश का टाइम है, मानसून का टाइम है मुंबई में, तो मैंने सोचा ये ले लूं, ये 200 रुपीज में है। स्ट्रीट में एक अंकल दे रहे थे, दो एजेंट से थे, तो मैंने सोचा क्यों बार्गेन करना, तो 200 रुपीज से मुझे लगा ठीक ही है, एटलीस्ट एक मानसून निकल जाए काफी है। मेरे हस्बैंड ने लिया है ये क्रॉक्स का डुप्लीकेट जो सिर्फ 300 रुपीज में है, इसमें
इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एटलीस्ट मॉनसून निकल जाए, काम चलाओ टाइप हो, तो इसलिए हमने भी ले लिया है। बड़े साइज में इजिली मिलता नहीं है बट मिल गया, थैंक गॉड। ऐसी कुछ चीजें आप वहां से परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है दिल्ली से ये चूड़ियां, मतलब बाला, काफी प्यारा, बहुत ही डिफरेंस लगा मुझे। तो दिल्ली में अगर आप जामा मस्जिद जा रहे हैं तो वहां के मार्केट में इस तरीके के चूड़ियां आपको बहुत मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे ये। ये तो मुझे नहीं पता कितना प्राइस है क्योंकि भाभी ने ये गिफ्ट किया था। साथ ही मैंने लिया है ये क्लचर्स, ये 20 रुपीज के थे। मैंने सोचा इसे भी दिखा दूं वीडियो में, आई नो कुछ अलग तो नहीं है बट अब शॉपिंग की तो दिखाना तो बनता है। नेक्स्ट दिल्ली से हमने लिया ये इम्पोर्टेड साबुन, बहुत ही अच्छे इसके फ्रेग्रेंस है और कोकोनट फ्लेवर है, ग्रीन एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैक करंट है। ये सिर्फ 25 रुपीज़ का एक है गाइस, और इसके पीछे अगर जो लेबलिंग है ना, इसमें अरबी में या उर्दू में लिखी हुई है। खुशबू बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप जा रहे हो तो और अगर आपको शौक है तो इस तरीके का सोप आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट दिल्ली के कन्नाट प्लेस से हमने लिया है ये फोटो फ्रेम, बहुत सारे आपको ऐसे फोटो फ्रेम्स मिल जाएंगे। इसमें ये जो अंदर है ना फोटो, ये काफी शाइनिंग है तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये मेरे हस्बैंड ने लिया है, ये हमें 4 पड़े 320 रुपीज में, 100 रुपीज का एक वो बोलते हैं लेकिन आप बार्गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके का कलेक्शन करना पसंद है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे हस्बैंड ने लिया ये ब्रश, ये ब्रश बैटरी ऑपरेटेड है, वाइब्रेशन वाला है कॉम्ब, तो आप जब ऐसे कॉम्ब करोगे ना तो आपके बाल में एक अच्छा सा वाइब्रेशन, अच्छा सा मसाज मिलेगा आपको। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। एंड गाइस ऐसे जो स्ट्रीट शॉपिंग वाले होते हैं उनसे थोड़ा बच के, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जल्दबाजी में ये 200 में ले लिया बट नेक्स्ट डे जब हम गए तो ये 100 रुपीज में भी मिल रहा था। तो स्ट्रीट शॉपिंग जब आप करो ना वहाँ पे तो बार्गेन जरूर करना। नेक्स्ट दिल्ली से मैंने लिया है ये क्यूट सा पर्स, ये ऐसा अंदर से है, फोन वगैरह आप रख सकते हैं। ये भी मैंने गिफ्टिंग पर्पज में लिया है और इसमें ना ऐसा बच्चों को बहुत पसंद है, ये अंदर जाता है जब आप पुश करते हो तो ऐसे खेलने में अच्छा लगता है, तो ये मुझे 150 में पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे पर्स और कपड़ों की वैरायटीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने जो चीज ली है वो ली है इंदौर से, शॉपिंग नहीं की थी। इंदौर में ये जो सेव होती है ना इसकी सब्जी बनती है और पोहा वगैरह में भी डालते हैं, तो मैंने सोचा इंदौर जा रहे हैं तो कुछ तो वहां का लोकल लें, तो ये काफी स्पाइसी होता है, गठिया भी बहुत लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे थे नासिक से तो मैंने खरीदा ये किसमिस, जो वहाँ के फार्मर्स या ग्रोअर्स होते हैं वो रास्ते में ऐसे लेके बैठते हैं, छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, तो ये मैंने लिया। ये तीनों पैकेट्स मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा, ये आधा किलो के पैकेट्स हैं और अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है, तो अगर आप नासिक से आ रहे हो तो किसमिस जरूर लाना गाइस, क्योंकि ग्रेप्स की फार्मिंग वहीं होती है। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लद्दाख सीरीज हमने स्टार्ट की है वो जब भी हम पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हैं, जहां हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट हम पोस्ट कर रहे हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो करिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।